तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में हम जो कि अभी एक महीने पहले लॉन्च हुआ है रियलमी की तरफ से रियलमी 12 5G मोबाइल फ़ोन, इसके बारे में जानेंगे, इसके रिव्यू के बारे में जानेंगे। एक महीने मोबाइल फ़ोन चलाने के बाद क्या इसका एक्सपीरियंस है, इसमें क्या क्या इश्यू देखने को मिले हैं, क्या इश्यू नहीं है, क्या चीज़ हम इसमें बेटर लगी, सब कुछ बताएँगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। अभी इसमें कवर लगा हुआ है, कवर निकाल के बढ़िया सब कुछ मोबाइल फ़ोन के बारे में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या क्या इस फ़ोन में हमें मिलते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि डिवाइस का नाम है रियलमी 12 5G, 8GB रैम है एंड 4GB की आपको एक्स्ट्रा रैम मिलती है जो कि टर्बो रैम कहलाती है। एंड यहाँ पर 5000 mAh की तगड़ी बैटरी मिलती है और वो भी परफॉर्मेंस के लिए, एक स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए आपको मीडियाटेक कंपनी का, यानी कि जो एक ट्रस्टेड कंपनी है मीडियाटेक कंपनी का, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 यानी 6100 प्लस प्रोसेसर मिलता है। और यहाँ पर 108 MP का कैमरा मिल जाएगा एंड 2 MP का पोर्ट्रेट या मैक्रो कैमरा मिल जाएगा। सो दोस्तों, फीचर्स तो इसमें काफ़ी भर भर के मिलते हैं, कमाल के। स्टोरेज यहाँ पर 128 GB की दी गई है, 8GB की रैम एंड 128 GB की रोम। तो फीचर के मामले में काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अब बात करते हैं रियल एक्सपीरियंस की मोबाइल को लेकर के। तो यहाँ पर जो मैंने एक चीज़ देखी है, तो जो कंपनियाँ करती हैं 15000 रुपये फ़ोन की ले रही हैं, इतना ज़्यादा पैसा, लेकिन जो एक स्मूथनेस है वो चीज़ ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 15000 रुपये में आप 20000 रुपये या 25000 रुपये की उम्मीद करते हो कि अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, बट वो चीज़ मैंने नहीं देखी। मोबाइल काम बढ़िया करता है, इसमें गेमिंग वगैरह भी हमने करके देखी है, तो गेमिंग ठीक ठाक चलती हैं, कोई कमी नहीं आई है। और जो रियलमी कंपनी है यहाँ पर अपने ब्लॉटवेयर पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर रही है। देखिए, बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे ऑलरेडी डाउनलोड, हालाँकि आप इनको डिलीट कर सकते हैं। जैसे कोई आपको अनइंस्टॉल करना है तो मैं इसको अनइंस्टॉल करके देखूँगा और यहाँ से अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाता है तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, फिलहाल मुझे नहीं करना। पीछे से इस मोबाइल फ़ोन को हम देख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन काफ़ी बढ़िया लुक लेकर आया है और बहुत अच्छी डिज़ाइन है। आपको साइड में एकदम फ्लैट डिज़ाइन मिलती है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कर्व हो और थोड़ा सा फ्लैट सा हो, बाकी आपको टोटल फ्लैट मिलती है, जो मोबाइल के डिज़ाइन को एंड लुक को नेक्स्ट लेवल में ले जाने का पूरा प्रयास किया है रियलमी ने इस फ़ोन में। और यहाँ देख सकते हैं नीचे की तरफ ये चार्जर मिलता है जो कि सी टाइप है एंड ईयरफोन जैक मिल जाएगा आपको लगाने के लिए ऑप्शन। यहाँ पर अपने साउंड है, तो साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, हमने यूट्यूब पर वीडियो प्ले करके चेक किया है। अभी एक महीने के बाद की बात कर रहे हैं हम, एक महीने हमने पूरा इसको यूज किया है तो अभी भी ज़्यादा कोई इशू आया नहीं है। और यहाँ से भी देख सकते हैं साइड में आपको स्टील बॉडी मिलती है, ठीक है, ये प्लास्टिक नहीं है, स्टील बॉडी है और पीछे पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक है। बट यहाँ पर बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ये मोबाइल फ़ोन आया है, देख सकते हैं आप खुद कितना बढ़िया मोबाइल फ़ोन डिज़ाइन के मामले में लगता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं हमने दो फोटो भी क्लिक की हुई हैं, एक ये विदाउट पोर्ट्रेट मोड है तो इसका स्किन टोन थोड़ा रेड सा है और लाइट भी स्लो है, बट देख सकते हैं यहाँ पर। और दूसरी फ़ोटो है जो कि हमने पोर्ट्रेट मोड पर ली हुई थी, ये है, तो ये हमारी पोर्ट्रेट मोड की फ़ोटो है और मुझे लगता है कि पोर्ट्रेट मोड में जो हमने फ़ोटो क्लिक की है वो ज़्यादा बेटर है उस फ़ोटो से, और स्किन टोन वगैरह भी काफ़ी ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं ये फ़ोटो और इस फ़ोटो, दोनों में कितना डिफरेंस है ना। तो फ़ोटो क्वालिटी बढ़िया है, यदि दिन के समय खींची जाए फ़ोटो लाइट में तो एक नंबर फ़ोटो आएंगी, फ़ोटो में आपको कोई ज़्यादा इशू नहीं मिलेगा और बजट के हिसाब से फ़ोटो क्वालिटी बढ़िया है। तो दोस्तों, यही था हमारा एक महीने का रिव्यू, और जो भाई अपने चला रहे थे मोबाइल को उन्होंने भी कोई इशू नहीं बताया इसके बारे में, उनकी भी राय यही है कि मोबाइल फ़ोन बढ़िया काम करता है, बढ़िया चलता है। और बाकी इसका हम एक वीडियो और लाएंगे लगभग 6 महीने बाद, कैसा परफॉर्मेंस इसका रहता है। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।